मुने नाम पतंजलि प्राजलिरानतोस्मे। हम लोगों ने पिछली बार पतंजलि योग सूत्र का जितना हमने पोर्शन पहले किया था मार्च के पहले, उसको अपने रिव्यूज किया था, रिवाइज किया था, और उसके बाद में वैराग्य के पोर्शन को हमने प्रारंभ किया था। और वैराग्य को मैं कुछ डिटेल में लेना चाहता हूँ, क्योंकि वैराग्य एक बहुत इम्पॉर्टेंट साधना का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पक्ष। हम लोग भजन करते हैं, ध्यान करते हैं, भक्ति करते हैं, लेकिन वैराग्य अगर नहीं होवे तो कुछ नहीं होगा। और मैं देख रहा हूँ कि आप लोग कुछ 7-8 लोग नियमित रूप से आते हैं ये पतंजलि योग सूत्र की क्लास में, तो मैं सोच रहा हूँ कि अगर अगली बार से मैं पतंजलि योग सूत्र का पाठ ले आऊँ तो हम एक सूत्र बोलेंगे, आप लोग रिपीट करेंगे, है ना, अच्छा रहेगा, आप लोगों को अच्छा लगेगा। एक सूत्र बोलेंगे, अभी तो 15 सूत्र करीब हुए हैं, उतना बन बोल देंगे, उसके बाद हम एक नया चालू करेंगे, वो आप बोलेंगे, आप कर देंगे। जैसे उदाहरण के लिए आज हम करेंगे वैराग्य का सूत्र, तो इसके पहले अभ्यास वैराग्य अभ्याम तन निरोध है। अभ्यास और वैराग्य के द्वारा चित्त वृत्ति निरोध होता है, हम सब समझते हैं, गीता में भगवान ने अभ्यास और वैराग्य की बात कहते हैं। और हम लोग जब बैठकर ध्यान जब करते हैं, एक आसन पर बैठते हैं, बिना हिले डुले भगवान में मन लगाने का प्रयत्न करते हैं, यह तो हुआ अभ्यास। और इसको हम नियमित रूप से करते हैं, प्रतिदिन करते हैं, कोई बाधा नहीं होनी चाहिए, मन लगा के करना चाहिए, ये सब कंडीशन है। लेकिन ये वैराग्य की बात हम अधिक महत्व नहीं देते, लेकिन बिना इसके कुछ नहीं होगा। श्री रामकृष्ण कहते हैं कि माताएं आती हैं मेरे पास, वो कहते हैं इतना ध्यान जप करते हैं हमारे तो कुछ नहीं होता, तो ठाकुर क्या बोलते हैं, अभी आपका वो प्रसूति ग्रह का गंध ही नहीं गया है, यानी एक और संसार का भोग करोगे और दूसरे और भगवान का भजन करोगे, ऐसा नहीं होता। श्री रामकृष्ण वैराग्य शब्द का उपयोग नहीं करते हैं, त्याग का करते हैं, त्याग के बिना नहीं होगा। और त्याग को कहते हैं जो सन्यासी है वो बाहर का अंदर का दोनों का त्याग करे, जो गृहस्थ है वो अंदर का त्याग करे, ये अंदर का त्याग है, यही वैराग्य। वैराग्य वी राग, राग रहित होना, यानी वैराग्य का अर्थ है हमारे मन में राग नहीं होना और द्वेष भी नहीं होना। ऐसा नहीं कि केवल राग, आसक्ति, राग, तृष्णा, इच्छा, वासना, ये सबको राग में ले लिया, और क्रोध, ईर्ष्या, घृणा, ये सब द्वेष में हो गया, इनको दूर किए बिना वैराग्य नहीं जमता। और बिना वैराग्य के मन खाली नहीं होता, आप बैठेंगे ध्यान करने पे तो नाना चीज़ें आ जाती हैं, मन में उठेंगी, और इनको वैराग्य को दूर करने का उपाय। और हम इसी चीज़ को हम देखेंगे, दोनों होना चाहिए, ये पहली बात अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। जैसे अगर आप खेत में पानी लाएंगे और खेत की मुंडेर में बहुत सारे छेद होंगे तो पानी चला जाएगा, रहेगा नहीं। या फिर अगर एक नहर काटनी है एक नदी में, तो क्या करेंगे, डैम बनाना पड़ेगा, एक बांध बनाना पड़ेगा, ये बांध हुआ मानो वैराग्य। और मन रूपी नदी को हम एक नहर बनाकर, एक चैनल बनाकर भगवान की ओर ले जाना चाहते हैं, ये हुआ अभ्यास। दोनों होना चाहिए, इसके बिना कुछ नहीं हो। तो इसी बात को हम थोड़ा सा डिटेल में अब लेने का प्रयत्न करेंगे। वैराग्य अग्नि के द्वारा कूड़ा करकट बहुत सारा है, वो अग्नि को उसको जलाना पड़ेगा। और वैराग्य की बात पतंजलि योग सूत्र में है, और ज्ञान योग, ज्ञान योग हम जब बोलते हैं तो ज्ञान योग में क्या है, साधन चतुष्टय आप लोगों ने सुना होगा, विवेक चूड़ामणि, वैराग्य शतकम, अन्य पुस्तकों में भी 4 बताए हैं ज्ञान के साधन, क्या है, विवेक, वैराग्य,
षट संपत्ति और मुमुक्ष, विवेक, नित्यानित्य विवेक, ये जगत अनित्य है, ये देह भी अनित्य है, मरने वाली है, आत्मा एकमात्र नित्य है, विचे विवेक करना। विवेक से वैराग्य होता है। यह अमूत्र फल भोग विराग, ये तो कर्मयोग की बात करी, फल हमने जो कुछ किया है उसका फल इस जन्म में या अगले जन्म में हमको मिले उससे वैराग्य। तो ये यानी भोग की इच्छा को त्याग, उसके बाद में है विवेक वैराग्य, उसके बाद में षट संपत्ति, छह संपत्तियां, शम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा समाधान, तब इसके मैं विस्तार में नहीं जाऊंगा नहीं तो ज्ञान योग हो जाएगा। और चौथा है मुमुक्षा, मुक्त होने की इच्छा। तो कभी कभी हमारे क्वेश्चन आंसर सेशंस होते हैं यूट्यूब पे, ईमेल में, तो एक ने पूछा है कि स्वामी जी सब साधना कर रहे हैं हम, नियमित रूप से कर रहे हैं, तो भी प्रगति नहीं हो रही है, क्या किया जाए? तो हमने कहा बाबा मुमुक्षा होना चाहिए, मुक्त होने की इच्छा। और शंकराचार्य ये कहते हैं कि वैराग्य और मुमुक्षा ये जिसमें तीव्र होंगे उसमें दूसरी जो समाधि शब्द मद्रुपदी तितिक्षा इत्यादि हैं ये सब उपयोगी होंगी। तो हमने देखना है कि हम क्या चाहते हैं, मुमुक्षा है क्या, मुक्त होने की इच्छा है क्या? सारा जीवन चला गया, ठाकुर कहते थे व्याकुल होकर रो, ठाकुर का तो मुख्य संदेश व्याकुलता, व्याकुल होकर रो, सारा जीवन में नहीं होता, थोड़ी देर हुआ कभी कभी व्याकुलता, मुझे याद है जवान उम्र में थोड़ी सी व्याकुलता थी, थोड़ा एक आध बार रोए हैं, लेकिन बस ठाकुर तो कहते हैं 3 दिन और 3 रात रो तो उससे हो जाएगा, घंटा रोए बस खत्म हो गया, उसके बाद तो व्याकुलता नहीं आती, ये दुर्भाग्य है हमारा। ठाकुर ने तो इतना आसान सीधा रास्ता बना दिया। खैर जो हो, तो ये वैराग्य और मुमुक्षा जिसमें तीव्र हो वहाँ पे बाकी चीज़ें, बाकी साधन जो हैं वो सफल होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं। वैराग्य का अर्थ हमने ऑलरेडी देख लिया है और उसकी विभिन्न परिभाषाएं भी हम पिछली बार देख चुके हैं। पतंजलि जो परिभाषा करते हैं वो कहते हैं दृष्टानुश्रविक विषय वितिष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्य। दृष्ट जो विषय हमने देखे हैं उनके प्रति आकर्षण है, दृष्ट यानी उनका एक्सपीरियंस किया है, हमने सुंदर दृश्य देखा है, टीवी में अच्छा दिखाई देता है दृष्ट, और खाया है अच्छा खाया है, मिठाई विठाई खाई है, फिर अब बहुत सुंदर संगीत हमने सुना है, और अपने पुत्र को गोद में लिया है, स्पर्श हुआ है, दृष्ट अनुश्रविक, और ये तो हुआ विषयों को, इंद्रियों के द्वारा जो विषय प्राप्त हुए हैं उनके प्रति आसक्ति, और अनुश्रविक जिनके बारे में हमने सुना है, देखा बहुत सारी चीज़, अब इच्छा हो रही कि चलो एक बार घूम आए, फॉरेन घूम आए, फॉरेन घूमने की इच्छा हुई, तो वो अनुश्रमिक, बहुत सारी इच्छाएं जो हैं सुन सुन के हो जाती हैं, एम्पायर स्टेट बिल्डिंग लंबी है उसको देखेंगे, नायग्रा फॉल्स देखेंगे, तो वो वासनाएं, इन दृष्ट और अनुश्रिक विषयों से भी तृष्णा, उनसे तृष्णा नहीं होना, उसका वशीकार, वशीकार को हम देखेंगे, वशीकार का अर्थ क्या है, वशीकार वैराग्य सन्निधि, वैराग्य वशीकार नाम उसका वैराग्य। अब ये वशीकार का मैंने पिछली बार संभवतः संकेत दिया था, उसमें यह है कि जब हम प्रयत्न करते हैं, प्रवचन सुना, शास्त्र पढ़ा, सत्संग में रहे, आश्रम में रहे, उसका प्रभाव पड़ा, अरे भाई अरे संसार की आसक्तियाँ अब छोड़ो, तो हमने प्रयत्न चालू किया, और प्रयत्न क्या होगा, विचार, याद रखिए विवेक के लिए विचार आवश्यक है, बिना विचार के नहीं होता। ठाकुर बोलते हैं हर साल बच्चा होता जाता है, हर साल बच्चा मरता है, हर साल बच्चा होता जाता है, विचार नहीं कि ये अनित्य है इनसे दुख होगा, दुख का भी विचार नहीं होता, अनित्य है उसका भी विचार नहीं होता,
और ये अनात्मा है इसका भी विचार नहीं होता है। गंदे चीजें हैं इस संसार में, ये शरीर सबसे गंदा है, तो भी उससे आसक्ति बनी रहती है, विचार नहीं। तो विचार जो है वो बड़ा विषय है। विचार सागर जो ग्रंथ है उसमें है, विवेक चूड़ामणि में बहुत सारा विचार की बात है। उसमें देह क्या है और आत्मा क्या है, पंच प्राण क्या है, इत्यादि सारा विस्तार से विचार किया। तो क्या कहा है, दृष्ट अनुश्रविक विषय वितृष्णा वशीकार। पहला अवस्था है हम वशीकार यानी विचार के द्वारा प्रयत्न कर रहे हैं वैराग्य को लाने का, यतमान। दूसरा व्यतिरेक, कुछ चीजों में विचार में वैराग्य हो गया है, कुछ चीजों में नहीं हुआ। व्यतिरेक यानी सपाट काट के, खाने पीने की चीजों में नहीं है थोड़ा, लेकिन अभी भी घूमने फिरने की इच्छा है, या संगीत सुनने की इच्छा है, ये जो व्यतिरेक। तीसरा है एकेंद्रिय। एकेंद्रिय ने इंद्रियों का मन नहीं, इंद्रियां नहीं जाती, लेकिन मन में थोड़ा सा अभी रस बचा हुआ है। मन जो है वो एक इंद्रिय है, ग्यारहवां इंद्रिय। और चौथा कहा वशिकार। वशिकार यानि संसार के कोई भी विषय उसको आकृष्ट न कर सकें, कंप्लीट मास्टर। और बहुत सारी कहानियां हैं, कहानियां तो इस प्रकार की हैं कि किस प्रकार से अचानक वैराग्य होता है। आप लोगों ने बिल्व मंगल की कथा कहानी सुनी होगी, मंगल बिगल में बिल्व मंगल एक वेश्या के प्रेम में था, और एक बार तूफान आया, बारिश हुई और नदी में बाढ़ आ गई। तब क्या करे, तो भी जाना तो है, इतना आसक्त। और देखा एक लकड़ी का एक टुकड़ा है, उसको पकड़ के वो चला गया उस पार। उसके बाद में घर में गया तो सब बंद, एक रस्सी लटक रखते, रस्सी को पकड़ कर ऊपर चला गया। उसकी उसकी जो वेश्या थी वो कहने लगी, अरे क्या ऐसे में आए हो तुम, और उसके तुम्हारे शरीर में गंध क्यों आ रही है। पता चला कि जो जिसको लकड़ी समझती समझा था वो एक मुर्दा था, और जो रस्सी थी वो सांप था, लेकिन इसको कुछ भान नहीं। तब वो कहती है, अरे ऐसी आसक्ति, ऐसी तीव्रता, ऐसी व्याकुलता भगवान के लिए हो, राम के लिए है, तो तुमको भगवान मिल जाए। और उसको तीव्र वैराग्य, उसी समय छोड़ दिया, बाद में सन्यासी हो। लेकिन उसके बाद बड़ी मार्मिक घटना है। एक दिन बैठा हुआ था गंगा तीर पे या कहाँ पे, एक बड़े घर की महिला आई, स्नान कर लिया और जाने लगी, सुंदरी थी। उसको देखा, पूर्व संस्कार जागृत हो गए, वो उसके पीछे पीछे उसके घर तक पहुँच गए। उसके पति ने देखा कि तो साधु आए हैं, तो प्रणाम किया, बोलिए मैं क्या करूं, क्योंकि मैं एक भयानक चीज चाहता हूं। क्या? मैं आपकी पत्नी को देखना चाहता हूं। अरे बाप, कि मैं पवित्र हूं, ठीक है पत्नी पवित्र है, देखें। उनको उन्होंने देखा, उसके मन की इच्छा थी, वो वासना थी एक रूप देखने की। थोड़ी देर देखा, उसके बाद में उसने कहा, माँ अगर सिर की पिन दे तो, पानी पिन है ना, आगरा से कोई पिन दो, दिया। उसने अपने दोनों आंखों में डाल दी, ये आंखें अब रूप नहीं देखेंगी। और फिर उसके बाद वो चला गया, तो सन्यासी तो थे ही। और कहते हैं बड़ी सुंदर बात यह है कि बाद में उनको अंदर ही अपने हृदय में भगवान का दर्शन हुआ। तब दुख हुआ, कह रहे आंखें होती तो बाहर भी दर्शन। तुलसीदास जी की भी ऐसी कथा है, वो व्याकुल अपने पत्नी के लिए। एक दिन पत्नी बिना बताए मायके चली गई, तो वहाँ पहुँच गए, और उसी तरह की घटना है, शायद नीचे थे और ऊपर चले गए, कैसे गए इस प्रकार की। पत्नी ने खूब डांटा, अरे ये क्या, इतना भगवान के लिए राम जी के लिए होता तो तुमको राम की प्राप्ति हो जाती, और सब छोड़ के तो राम जी के प्रेम में। ठाकुर भी वैराग्य की ऐसी घटनाएँ सुनाया करते थे। ठाकुर ने सुनाई ना, एक तो दो कहन दो तीन घटनाएं बताए थे। एक
एक एक आदमी स्नान करने जाने वाला था, उसकी पत्नी उसको तेल लगा रही थी और पत्नी की आंखों से आंसू गिर रहे थे उसके ऊपर। तो देखा, क्या बात है, तू तो रो क्यों रही? तो क्या कहूँ, मेरा जो भाई है उसको वैराग्य हो गया है। कैसे? क्योंकि 16 रानियां हैं, वो एक एक करके उसको छोड़ना चाहता है। ये पति रोज जोर से हंस दिया, अरे ऐसे किस वैराग्य होता है क्या? देखिए, तुमसे तो अच्छा है, तुम तो मेरे बिना एक दिन भी नहीं रह सकते। देखिए, देख मैं चला, जैसा है गमछा सा कंधे पे लेके और चल। और ठाकुर और भी कहते हैं, दो कथाएं और हैं। एक गुरु ने कहा, चले आओ मेरे साथ में। गुरु ने कहा, वशिष्ठ ने कहा कि मैं कैसे आऊं, मेरे पिता माता मेरे को बहुत प्यार करते हैं, पत्नी प्यार करते हैं, बिना मेरे रह नहीं सकते हैं। तो कहा, अरे वो कुछ नहीं, वो कुछ नहीं, तुम नहीं जानते, वो कोई प्यार नहीं करता। फिर कहा, चल तुम्हें दवाई देता हूँ, तू लेके सो जाना, तू लगेगा मर गया, फिर मैं आ जाऊँ। अब ये रो रहे हैं सब के सब, सिर पैर पीट के रो रहे हैं। गुरु जी आए और आए के उन्होंने कहा कि अरे ये ठीक हो सकता है। और एक कहानी में ऐसा है कि उन्होंने एक गिलास लिया, उसने पानी लिया, सबको इस प्रकार से उन्होंने घुमाया और कहा कि देखो इसका जितना वो पाप और वो जितना भी मृत्यु का भोग इसके अंदर आ गया, अब कोई भी इसको पी ले, जो पिएगा वो मर जाएगा लेकिन ये बच जाएगा। किसी ने नहीं किया। तब गुरु भोग वो चला गया और गुरुजी ने उसको कहा, चल भाई चल चले। अच्छा, और फिर एक बार आगे कहानी उसी प्रकार की, ठाकुर जी कहते हैं कि एक दूसरा आदमी लकड़ हो गया कमरे के अंदर, तो निकालना है घर के बाहर। तो उसकी पत्नी ने कहा कि दरवाज़ा काट दो, उसको दरवाज़ा काटने के बदले इसको काट दो। तो तबे साली उठ के ओ भाग। तो ऐसी कहानियाँ हैं वैराग्य की, बहुत सारी कहानियाँ हैं, बड़ी सुंदर कहानियाँ। एक कहानी संभवतः आप जानते हैं कि नहीं, तो वैराग्य होने की कहानी। हम यहाँ पर वशीकार वैराग्य की बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसे जो होते थे तो भी वो पक्के होते थे। एक घटना है, एक राजा था, उसको सारे शरीर में बीमार कोढ़ हो गया, उसको चंदन लगाना। तो उसकी पत्नियाँ 16 पत्नी कितनी भी होंगी, वो चंदन घिस रही हैं, चूड़ी की आवाज़ हो रही, खड़खड़ 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 खड़खड़। ये क्या आवाज़ हो रही है, ये तो मैं सहन नहीं कर सकता। चूड़ियाँ निकाल दी, दो चूड़ी रखी तो भी खटखट 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 हो रही है। उसके बाद सब चूड़ी जब निकाल दी तब कोई आवाज़ नहीं, आह बड़ा अच्छा है, कोई आवाज़ क्यों नहीं हो रही? देखिए, वो पूरी सब चूड़ियाँ तो सधवा हैं, इसलिए सब चूड़ी तो नहीं निकालेंगी, एक चूड़ी रखी है इसलिए आवाज़ नहीं हो रही। हाँ ये तो ठीक है, मैं समझ गया, अकेले रहने से कोई दिक्कत नहीं। वो छोड़ के चला। ये जैन स्टोरी है। और एक और जैन स्टोरी है मल्लिनास की, वो अशुचि भावना की। उसको देखने के लिए, वो सुंदरी थी, अत्यंत सुंदरी थी, बहुत सारे राजा उनको वरण करने के लिए, स्वयंवर के लिए आए थे। और उसने क्या किया था, एक सोने की पोली, एक मूर्ति, अपनी एक मूर्ति बनवाई थी सोने की, लेकिन अंदर से पोली खाली, ऊपर उसके बाद ढक्कन रखा था। अब प्रतिदिन जो वो खाती थी उसको उतना ही वो उसके अंदर डाल देती थी और ढक्कन बंद कर देती थी। ऐसा करते 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 जब तक राजा लोग आए तब तक वो भर गया, उसको उसने हिलाया हिटाया नहीं। अब बाहर रखा ही है ये मूर्ति, लोग देखे कि आहा, ये कितनी सुंदर मल्ली की मूर्ति है। इतने मल्ली आई, उसने कहा, सुंदर मूर्ति है ना, हाँ ठीक, इधर आओ, इसको खोलो। जैसे ही खोला ढक्कन, बदबू, कितने दिन का पड़ा हुआ, बदबू आई, ओ, 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 भागने लगे।
तो उन्होंने बल्लीनाथ ने कहा कि यही बात मेरे साथ, ये जो शरीर है ये मल मूत्र और नाना कितनी चीज़ों से भरा हुआ है। यानी पातंजल योग सूत्र के अनुसार जिसे कि अशुचि कहते हैं ना, तो कहें जन्म स्थान स्यंदन आधे शौचत्वम इत्यादि पांच पाँच छः कारणों के कारण यह शरीर अशुचि सबसे गंदा है, लेकिन इसको हम शुचि समझते हैं। यह अज्ञान का एक लक्षण, तो ये उसने बताया और वो भी सन्यासिनी हो गई। तो जो हो, इस प्रकार की बहुत सारी कहानी हमें सन्यास की मिलेंगी जिसमें लोगों ने एक बार क्षणिक वैराग्य के कारण छोड़ दिया और सारा जीवन बनाए रखा। यहाँ पर वशीकार की बात कह रहे हैं कि किसी भी प्रकार से उससे आप विचलित न होवे वैराग्य से, ये बहुत मुश्किल बात। वशीकार के अनुसार दिव्य विषयों के उपस्थित होने पर भी विवेक के द्वारा, दृढ़ विरोध विवेक के द्वारा, ओ हे उपादेय, यह भोग का विषय है या है यह है उपादेय नहीं है, यह भेद है, यह उहेद है, त्याज्य है, इस प्रकार के बुद्धि विशेष मन जो है पूर्ण रूप से शांत रहे, उसमें आकर्षण भी नहीं होवे और उसको त्याग करने की इच्छा भी नहीं है, ऐसा मन जो रहे तो इसको वशीकार वैराग्य कहते हैं। और इसके कई दृष्टांत अब आप स्वामी विवेकानंद को ले, अमेरिका में गए और उनको कितना प्रलोभन किया गया, स्वामी जी स्वयं कहते थे। और एक उसका वर्णन मिलता है किसी पुस्तक में है, और उसके बाद में यानी ओरिजिनल कोई टेक्स्ट में है, और उसके ऊपर नरेंद्र कोहली ने जो उपन्यास लिखा है, नरेंद्र कोहली नामक एक लेखक ने एक उपन्यास लिखा है श्री राम स्वामी विवेकानंद के ऊपर, तोड़ो कारा तोड़ो। उसमें वर्णन किया है कि एक महिला आती है, यंग लेडी, बड़ी धनवान लेडी, स्वामी जी कहाँ ठहरे थे, मिसेस ब्लॉजेट के यहाँ पे या जब पहले वे ठहरे थे, उनके पास आती हैं और कहती हैं क्या आप ही स्वामी जी को अपने पास रखेंगे, हम नहीं रख सकते क्या, हम ले जाएंगे। वो ले जाती है स्वामी जी को, आलिशान महल और प्रॉपर्टी, सैकड़ों एकड़ की प्रॉपर्टी, ये अनमेरिड सारी प्रॉपर्टी की वो मालिक। और वो बताती है सब बहुत ही खूब सेवा सुशूषण करने के बाद में प्रस्ताव रखती है कि आप मुझे और इस सारी प्रॉपर्टी को स्वीकार। स्वामी जी अपने पत्रों में लिखते हैं कि युवतियां सुंदरियां कितनी मेरे पास आती हैं, और श्री राम स्वामी जी कहते हैं अरे मैं तो सेवक हूँ, मैं कैसे स्वीकार करूँ, मैंने तो श्री राम कृष्ण को सब समर्पित कर दिया, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं कैसे ले सकता हूँ मेरे को। और जब वह सुनती थी तो सन्न हो जाती कि ऐसे भी त्यागी हो सकते। तो स्वामी विवेकानंद का वैराग्य, यानी वैराग्य की परिभाषा परीक्षा तब होती है जब इतने भोगों के अंदर व्यक्ति चारों तरफ से जुड़ा होवे, तब वैराग्य की परिभाषा, इसको कहते हैं वशीकार वैराग्य। अब अगला सूत्र आता है वशीकार वैराग्य के बाद में, तत्परम पुरुष ख्यातेर गुण वैतृष्णम पर वैराग्य। ये जो चार बताए हमने ये अपर वैराग्य है, इन्फीरियर वैराग्य, ये साधना के वैराग्य कह सकते हैं, और ये भी पर वैराग्य भी साधना का वैराग्य है। स्वामी विवेकानंद की विशेषता ये थी, उन्होंने तत् पुरुष ख्यातेर गुण वैतृष्णम, अपर वैराग्य है पुरुष ख्याति। ख्याति शब्द जो है पातंजल योग सूत्र का एक पारिभाषिक शब्द है, इसका अर्थ है ज्ञान। पुरुष ख्याति, पुरुष यानी परमात्मा, आत्मा, आप इसको सोल कहिए, पुरुष कहिए, ये जो सब नाम हैं ये पातंजल योग सूत्र में दिए गए, ये आत्मा के बहुत सारे नाम हैं। तो जो चैतन्य सत्ता हमारे में है,
जो परमात्मा के साथ एक है तत् परम तत्पुरुष ख्याते है, उसका ज्ञान होने पर जो गुणों से, तीन गुणों से, केवल विषयों से नहीं, सत्व रज और तम, इन तीन गुणों से परे जो मन चला जाता है उस व्यक्ति को पर वैराग्य होता है। तत्पुरुष ख्यातेर गुण वैदृश्यम तत्परम, परम पर वैराग्य वो है जो पुरुष ख्याति के द्वारा गुणों से चला जाता है। यानी यहाँ पर यह नहीं कि छोटी चीजों की इस प्रकार की आकर्षण नहीं है, आकर्षण सब पूरा मन जो है वो परमात्मा में लीन हो गया। अरे संसार जो त्रिगुणात्मक संसार है वो किसी भी काम का नहीं देता। तो ये जो है इसके आगे की स्थिति है। अब वैराग्य होता कैसे है, हमने कुछ दृष्टांत दिए और शास्त्रकार बड़ी मजेदार कहानियां बताते हैं, बात करने से होता नहीं। और एक कहानी बताते हैं हम लोगों के, संसारी लोगों की क्या अवस्था है। तो यह शायद टॉल्स्टॉय की कहानी है या क्या कहानी। एक आदमी जंगल में जा रहा था, अचानक दिखा नहीं उसने और एक कुएं में गिर गया। तो कुएं में जैसे गिरा तो उसने देखा कि पेड़ लटक रहा है, पेड़ की डाल है, उसने उस डाल को पकड़ लिया। ठीक है, अब नीचे देखा, नीचे उसमें शायद कोई मगर था या बड़ी मछली थी या कुछ है वो है। और फिर कहते हैं कि उसको पेड़ को दो चूहे काट रहे हैं, पेड़ की डगाल को दो चूहे काट रहे हैं। और ऐसे में वो देखता है कि पेड़ के ऊपर से मधुमक्खी के छत्ते से मधु गिर रहा है, तो अपनी जीबान निकाल के उसको चाटने का प्रयत्न कर रहा है। मृत्यु किसी भी क्षण होगी, फिर भी लोग थोड़े से रस के लिए, थोड़े से भोग के लिए सारी बातों को भूल जाए। ये हम लोगों की अवस्था है। लेकिन जो लोग, कुछ लोग हैं जैसा अभी कहा, तुलसीदास, बिल्व मंगल, लाल बाबा, लाल बाबा की कहानी भी है। वो तो मैंने सुना है कि वो ये है कि वो रंग बनाने वाले थे ना, कलकत्ता बंगाल के संत थे, तो वो कपड़ों को रंगते थे, तो रंग बनाना पड़ता था, खुद तैयार करना पड़ता था डाई। तो उसके लिए एक टाइम है, उनकी लड़की ने कहा बाबा का टाइम जा रहा है, वो वासना को आगुन कब दोगे। वासना यानी जो केले के जो कटठल होते हैं उसको जलाने से उसमें जो पाउडर बनता है उससे रंग बनता है, ऐसा ही है ना। तो उसमें उसको आग कब दे, वो बेला टाइम जा रहा है। और उन्होंने उसको आध्यात्मिक विषय लिया, अरे टाइम निकल रहा है, टाइम निकल रहा है, वासना को अग्नि कब दोगे, बस और छोड़ के चले। तो ऐसे दृष्टांत हैं, तुलसीदास के दृष्टांत हैं, भगवान बुद्ध का तो दृष्टांत है ही, नानक तो नाप रहे थे 11, 12, 13, 13, 13, 13। जब 13 हुआ तो तुम्हें 13 भगवान का याद हो। तो ऐसे दृष्टांत वैराग्य हैं, लेकिन अधिकांश लोगों के लिए, हम लोगों के लिए वैराग्य को साधना पड़ता है। पतंजलि ने इसका वर्णन नहीं किया, लेकिन इसका वर्णन हमें विवेक चूड़ामणि में, वैराग्य शतकम में थोड़ा थोड़ा मिलता है वैसा है। और ठाकुर इसके बारे में बहुत कहते हैं, ठाकुर बार बार कहते हैं वैराग्य के बाद में कह भी दिया कैसे कर। देखिए सबसे पहले वैराग्य के महत्व को अपने मन में दृढ़ करना। दुर्भाग्य है हम लोगों का कि अब हम लोग सब सीनियर सिटीजन्स हो गए, ये बात जवानी में होनी चाहिए। एक ने अभी हम लोगों के
संडे को जूम मीटिंग होती है तो एक क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन में कहते हैं कि स्वामी जी, आप लोग कहते हैं कि जवान उम्र में साधना करनी चाहिए। अरे जवान उम्र तो पढ़ाई करनी चाहिए, साधना कब नहीं करना, साधे करने में तो बाधा होगी। तो अब भाई सबका अपना अपना है। अधिकांश संसारी लोग यही सोचते हैं कि पढ़ाई लिखाई करो, उसके बाद में शिशु विवाह करो, उसके बाद में फिर देखा जाएगा। ये धर्म की चर्चा, साधना चर्चा बाद में होगी। तो ऐसे होता नहीं। इतने संस्कार गहरे हो जाते हैं कि उसके बाद कुछ भी नहीं। जितने पहले के होंगे उतना ही होता है। ठाकुर यही तो बोलते हैं, पहले अपने सब बच्चों को लगा रहे हैं, खूब जम के लगा रहे हैं, अरे खूब लग के लग जाओ, उसके बाद में क्या करते हैं, मक्खन बन जाओ, मक्खन बन जाओ, उसके बाद पानी में रखो, कोई दिक्कत नहीं। स्पर्श करके लोहा को सोना बना दो, उसके बाद में कहीं भी रखो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन दुर्भाग्य, वैराग्य की बात करें तो मैं तो समझता हूँ, यानी मैं इस आप लोगों की उम्र से शायद ज़्यादा ही मेरी उम्र होगी, मैं समझता हूँ कि इस उम्र में भी साधना की जा सके। थोड़ा शरीर मन क्लांत हो जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि नहीं होता। तो वैराग्य के पहली बात है कि वैराग्य के महत्व को अपने मन में दृढ़ कीजिए, भले हम सीनियर सिटीजन हो गए हम, वैराग्य के बिना नहीं होगा। वैराग्य में वह अभयम, वैराग्य ही अभय है, बाकी सब चीज़ों में भय रहेगा। और हम नहीं जानते कि वैराग्य में कितना सुख है। ये तो दृष्टांत, कुछ कहानियां तो सुनाई हैं, लेकिन और भी संतों के जीवन में है, किसी चीज़ की परवाह नहीं, मस्ती आनंद, जहाँ रहे एक दिन में उठ के चल दिए, किसी चीज़ की बाधा नहीं, कहीं रोक नहीं। बाकी नहीं तो छोटे छोटे खींचते हैं, छोटे छोटे रस्सियाँ हैं, वो हमको बांध के रखते हैं। तो वैराग्य जो है वो अभय है और सुखदायक है, यह बात मन पर दृढ़ निश्चय कर लेना चाहिए। और भगवान को पाना हो तो संसार को तो छोड़ना ही पड़ेगा, कोई ऑल्टरनेटिव नहीं। लेकिन कोई मानता नहीं, कोई मान, भगवान जो है ना, कहते हैं ना उसको जेलस लवर, तो प्रेम करना हो भगवान से, देखो और किसी चीज़ से प्रेम नहीं कर सकते, जरा सी भी चीज़ से प्रेम नहीं कर सकते। फिर उसके बाद में संसार के स्थूल भोगों के साथ में भी सूक्ष्म भोग की वासनाओं आसक्तियों को त्याग करना होगा। और ये सूक्ष्म भोग कैसे होते हैं? ये स्थूल भोग तो हम समझते हैं, खाने पीने की चीजें हैं, विषय भोग, ये मन के भोग, मन के अट्रैक्शंस, संगीत, तो संगीत एक तो म्यूजिक सुनना, लेकिन उसका जो टेक्निकलिटी है, लेख लिखना, प्रवचन देना, ये ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। संसार से थोड़ा सा नाम यश मिले, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो सूक्ष्म भोग कहे जाते हैं। और उसके ऊपर की बात तो दिव्य दिव्य दर्शन आदि की बात तो छोड़ दीजिए, उसके बाद छोड़ दीजिए। दूसरा ये है कि ध्यान इत्यादि में रस आता है, और इसको रस को भी जो है एक बाधा बताई जाती है। मांडुक्य उपनिषद में, मांडुक्य कारिका में रस जो होता है इसको एक बाधा कही गई। तो रसास्वाद क्या है, लय विक्षेप रसास्वाद और कषाय, ये चार ऐसे है। रसास्वाद, ध्यान कर रहे हैं, बड़ा आनंद आ रहा है, उसी में फंस गए, उसके आगे नहीं पढ़े। खैर, हम सोचते हैं अरे आनंद, रस का आनंद आवे ना, ध्यान का आनंद आवे कम से कम, जिससे विषय का रस से तो दूर होवे,
मन के स्तर पर आवे, उसके बाद में और भी बाधाएं होंगी तो देखा जाएगा, लेकिन उस तरफ तो आना चाहिए। तो पहली बात यह है कि वैराग्य के विषय में थोड़ी धारणा स्पष्ट होनी चाहिए और हमारे मन में उसके महत्व को दृढ़ करना। दूसरा, भगवत अनुराग प्रेम। मैंने अभी कहा कि ज्ञान योग में विवेक वैराग्य मुमुक्षुत्व षट संपत्ति हैं, तो उसमें वैराग्य एक साधन है। पातंजलि योग सूत्र में अभ्यास और वैराग्य साधन है। भक्ति मार्ग में वैराग्य नहीं बोलते, भगवान से प्रेम। भगवान से प्रेम अगर तीव्रता से होगा तो वैराग्य अपने आप आ जाए, लेकिन तीव्र प्रेम होना चाहिए, छोटा ढीला ढाला नहीं। लेकिन जितने भी बहुत सारे अधिकांश संत जो हैं, तो भगवान प्रेम में ऐसे विभोर होते थे कि अपना परिवार छूट जाता था, पत्नी पुत्र किसी की ही तरफ मन नहीं जाता। संत तुकाराम को ले लीजिए, भगवान का भजन कर रहे हैं, कंटिन्यूसली कर रहे हैं, उनको घर की कोई चिंता नहीं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है कोई चिंता। तो यह है, भगवान से प्रेम हुआ तो संसार से स्वाभाविक रूप से वैराग्य होगा। तीसरा, वैराग्यवान संतों महापुरुषों की जीवनी का पाठ, उनका अनुध्यान, संतों सन्यासियों उनसे सत्संग, ये बहुत इम्पोर्टेंट, खास करके जीवनियां, लाइफ ऑफ सेंट्स। श्री राम कृष्ण के 16 सन्यासी शिष्य, उनकी जीवनियां पढ़ें, क्रिश्चियन सेंट्स पढ़ें, सूफी संतों की जीवनियां, अरे कैसा वैरा। मैं कभी कभी यहाँ पर कहानियाँ सुनाता हूँ उसकी, उसके प्रकार से करें तो हमें लगता है कि ऐसा भी जीवन हो सकता है। और उसमें पता चलता है कि लोग कैसे आनंद में हैं, कितना त्याग, कितनी करुणा, दया, निष्ठा, ये सभी सद्गुण उनके अंदर आते हैं भगवान को प्रेम करने से, वैराग्य से। उसमें हमें, हम क्या करते हैं कि जो संत हैं तो उनकी कितनी दया है, कितनी करुणा है, इसका हम चिंतन करते हैं। ठाकुर का भी हम ध्यान करते हैं तो कहते हैं कि ना प्रेममय करुणा है ठाकुर, है ना, लेकिन वो कितने कठोर थे, कितने वैराग्यवान थे, वैराग्य प्रति अपने शिष्यों के प्रति कितने स्ट्रिक्ट थे, ये हमने सुना, ये भी हमें सोचना। उसके बाद विषयों का त्याग, ये होता है विचार से, याद रखिए, विचार से एक बार मन में यह बिठा दीजिए कि विषयों की इच्छा हमारे मन को नष्ट कर देगी, विषयों की इच्छा से वैराग्य नहीं होगा और कुछ नहीं मिलेगा। अगर आ गया तो आ गया, साधु का तो यही नियम है, आ गया तो आ गया, नहीं आया तो नहीं आया। और फिर वृंदावन में शारदेशानंद जी थे, उनका सुना है कि वो भंगत भंगत में आते थे, सबके साधुओं के साथ बैठते थे, खाना खाते थे, लेकिन अपना पात्र जो भिक्षा का पात्र था उनका, वो उसको साथ में ले गया। वो उन्होंने सारा अधिकांश जीवन, माँ शारदा के शिष्य थे, अधिकांश जीवन उन्होंने भिक्षा में बिताया, परिव्राजक के रूप में, तपस्या के रूप में उत्तरकाशी इत्यादि में बिताया था। उसके बाद बूढ़ी उम्र में वृंदावन में रहते थे, आते थे, जो खाना आया उनका सब ऐसा ऐसा दे देते हैं, रोटी दिया, दाल दिया, सब्जी दी, तरकारी दिया, पायस दिया, सब दे दिया, उसके बाद में सबको उसमें मिला दिया अपने पात्र में, जैसा वो पहले करते थे। हम लोग जब भिक्षा करने जाते हैं तो ऐसा ही तो करते, एक पात्र ले जाता है उसमें हम सब मिला दें।
उसको जब आया जैसा भी हो रोटी सब्जी अलग अलग है, बाद में जाके उसको सब मिला के उसके बाद खा ले। तो ये एक विषय त्याग हुआ, उसको टेस्ट के लिए नहीं खाना। और ऐसा नहीं है कि ये हो नहीं सकता, ये अगर हम संकल्प करें सोचें तो ये आसानी से कई चीज़ें हो सकती हैं। जैसा मैंने कहा कि सेकेंड लेवल जो आता है यह वर्तमान के बाद व्यतिरेक, तो कुछ चीज़ों से वैराग्य आसानी से हो जाता है, कुछ चीज़ों में वैराग्य देर से होता है। कभी कभी तो ये संसारिक विषयों से, आप लोग तो हम अधिकांश यहाँ आ गए, ये संसारी लोगों के लिए है, संसारी लोगों के लिए तो कभी कभी यहाँ तक कहा जाता है कि अपने परिवार से आसक्ति त्याग करने के लिए उनको हेट करो। ये क्रिश्चियनिटी में एक वर्ड है, हेट यूज करते, घृणा करो, देखो कि हमारा अनर्थ करने वाले हैं। जिन चीज़ों को त्याग करना है, नाम यश संसार के परिवार के लोगों, उनसे हेट, इतनी स्ट्रांगली उस बात को कहने का प्रयत्न करते हैं। कहते हैं साधक को तो हर परिवार के लोगों को काल सर्प जैसा समझना चाहिए। तुलसीदास जी कहते हैं के प्रिय न राम पैदे ही तजिए ताही कोटि बेरी सम जदपि परम स्नेही। अगर कोई भगवान राम को प्यार नहीं करता तो उसको अत्यंत स्नेही होवे, अत्यंत ग्रह साथ आपका निकट होवे, तो भी उसको परम बैरी समझकर उसको त्याग करना चाहिए। तो ये वैराग्य का एक नेगेटिव पक्ष मन में उसको बनाए रखना चाहिए, ये इम्पोर्टेंट है। खास करके जो युवक हैं, हम जानते हैं, हम जब संन्यास के लिए तैयार कर रहे हो रहे थे तो ये बातें हमको बहुत महत्वपूर्ण लगती थी। आप लोगों के लिए मैं नहीं कह रहा, ये बहुत महत्वपूर्ण लगती थी। हम संसार के बहुत से वस्तुओं से हमको भय रखना पड़ता था, परिवार के लोगों से दूर रहना, ये हमारे सबसे बड़े शत्रु हैं इस प्रकार से। तो खैर, उसके बाद में और भी कुछ उपाय हैं, कुछ भावनाएं हैं, जिनकी चर्चा हम अगली बार करें। नमः श्री यतिराजाय विवेकानंद सूरये सच्चित् सुख स्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे।